मलेशिया में पाम तेल उत्पादन घटने के आसार लगाए गए हैं। दरअसल भारतीय बाजारों की बात करें तो भाई दूज की वजह से देश भर की अधिकांश मंडियों में बुधवार को अवकाश रहा। हालांकि गुरुवार से कुछ मंडियों में कामकाज शुरू हुआ, लेकिन देश भर की विभिन्न मंडियां अगले सप्ताह से ही सुचारू रूप से शुरू हो पाएंगी। ऐसे में उस दौरान सोयाबीन की आवक का प्रेशर बढ़ने पर सोयाबीन के बढ़ते दामों में कुछ रुकावट आ सकती है, लेकिन फिलहाल मंदी कहीं से नजर नहीं आ रही। दरअसल मलेशिया और इंडोनेशिया में पाम तेल का भंडार इस महीने कम रहने की आशंका लगाई गई है, क्योंकि दोनों ही देशों में बारिश से नई फसल का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। विशेष रूप से मलेशिया में भारी बारिश से उत्पादन घटने की आशंका है। उधर इंडोनेशिया की निर्यात लेवी छूट अक्टूबर में समाप्त होने वाली है। अगर इंडोनेशिया छूट का आगे और नहीं बढ़ने का फैसला किया जाता है तो केएलसी में तेजी देखने को मिल सकती है। उधर सोपा के अनुसार 1 से 25 अक्टूबर के बीच पाम तेल के उत्पादन में 1.81% की गिरावट आई है। सोया तेल में अच्छी डिमांड बनी रहने से और पाइपलाइन खाली होने के कारण उम्मीद की जा रही है कि आगे चलकर तेल की कीमतों में तेजी बनी रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।